जी लाइट गई हुई है और बाहर देखें कितना तेज तूफान आया हुआ है। मट्टी मट्टी देखें, आंधी चल रही है बहुत अभी तेज। हमने गैरेज कितने अच्छे तरीके से चमकाया था, गैलरियां अभी शाम थी। को ही हम लोगों ने इतना अच्छी तरह से क्लीन किया था और अब देखें। अब सुबह उठ के नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी। गर्मियों में ऐसे ही होता है, रोज सफाई करो रोज गंदे, कितनी मट्टी है बाहर। और ये देखें क्या हो रहा है, फुजैल को चाय नहीं पीने दे रहा ये लड़का। ये लड़के ये पी, ये ले, पूरी बरादरी नहीं पीने दे रही, वो देखो। और ये तो मुंह से छीनता है ना मैक्स, और ये वो इतनी देर से जुबान फेरे जा रहा है बग्गी जी। मैंने अपना डिनर बनाना था एयर फ्रायर में, चिकन बनाना था और अब लाइट चली गई। नहीं नहीं हाथ मारेगा अंदर, गंदा बच्चा। बाहर जाना था आंधी, ओ ये क्या लगा है बच्चे कौन है, तू कौन है क्या, क्या मंगवाया था आपने? ओन आपने क्या मंगवाया था, कुछ मंगवाया था? हाँ उसको कुछ देना। हाँ वो आ रहा हूँ आ रहा हूँ। मिस काइली, मिस काइली बड़ी परेशान हुई हुई है। आपने इतने आंधी में क्या मंगवाया? 120 रुपया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो लाइट आ गई थी और मैंने चिकन ना पहले से ही मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो बस अब मैं उसको एयर फ्राई कर लूँगी। जी 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 पहुँची हुई है हमारे चिकन के पास, केस तैयार होगा तो मैं भी खाऊंगी, वेट कर रही है। ये कैट्स भी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, इनको पता है अभी इसमें रेडी हो रहा है, जब रेडी हो जाएगा तो फिर मुझे खाने को मिलेगा। जी जी तुम वेट कर रही हो, बोल के दिखाओ ना। जी 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 देख के बोल रही है, मुँह में कह रही है मैं वेट कर रही हूँ, जब तक बनेगा नहीं मैं उठूँगा नहीं। उसने ना यहाँ पर यह जाम हड़ताल कर दी है। जी जी देखिए माशाल्लाह से अपने नाम का कैसे पता है। जी जी अब जीवा बुलाऊँगा। जीवा जीवा ये क्या जीवा नाम उसको बोल गया। मिनी ओ मिनी भी पता है। जी जी अपनी वो रिस्पॉन्स देगी, अब कहेगी कह रही है मुझे ना बुद्धू बना रहे हैं, बकरा बना रहे हैं। जी जी कह रही है जी मुझे ना पागल बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। जीवा पता है, पता है जीवा नहीं उसको भूल गया जी मैं जीवा नहीं हूँ। मिनी जी जी ओ माशाल्लाह, और बोल भी रही है कि मुझे तगला करो, मुझे जलीलो ख्वार ना करो, मुझे यहाँ पे बैठा रहने दो। और ये देखें मैडम काइली क्या कर रही हैं। हाँ वेट करो, मिल जाता तो मैं, जब निकलेगा तो मैं लाजमी देंगे। कार करेगी तू? ओए ओए मोटी औरत, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये पकड़ो मोबाइल, पकड़ो मोबाइल, पकड़ो मोबाइल, पकड़ो मोबाइल, पकड़ो। नहीं ऐसे ना खींचना। नहीं नहीं ऐसे नहीं खींचूंगा, रुको रुको रुको, बाइक से जाके पकड़ लो, बाहर निकल गई है। रुको 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 रुको, दरवाजा खोलो दरवाजा ताकि अंदर आ जाए। ओ चलो अंदर दादू, दादू को तो, दादू की तो अकड़ ही नहीं मानना, दादू की तो कड़ी नहीं मार पा। आंधी बहुत शदीद चल रही है और बच्चे हैं बाहर, आगे काइली बाहर है, काइली इसको मारेगी इसलिए काइली को भी अंदर ले जाते हैं। जब भी ऐसा इन्वायरमेंट होता है ना बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। स्कूबी स्कूबी आपको भी दे देते हैं स्कूबी, आप वेट करो थोड़ी देर। बग्गी जी आपको भी मिलेगा, स्कूबी को भी मिलेगा, मफू को भी मिलेगा, मैक्स को भी मिलेगा, सबको मिलेगा ठीक है जी। वाह तो दही कमाल की नहीं बनी, अरे हाय हाय केक कटिंग सेरेमनी हो रही है, ये तो कमाल की दही बनी है। मुझे भी दो थोड़ी सी, बच्चों को भी डाल दो, बच्चों के लिए भी बेहतरीन है गर्मी में ना ये। आप भी जी अपने बच्चों को दही दिया करें, बहुत सारे लोग मैसेजेस करके पूछे हैं कैट के लिए दही अच्छी होती है। जी बहुत अच्छी होती है, अच्छी दही बनी है, दूध से भी ज़्यादा अच्छी होती है। दूध तो अच्छा, अच्छा उसे मैंने बोला था कि ना दूध दी, दूध ये उसका कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल है। पता नहीं इस दूध से अच्छी दही बनाने के लिए मैं क्या कुछ करती हूँ। अच्छा हाँ जी जी, अब मैं दही चख के बताता हूँ कि कैसी है। यकीन माने कमाल की दही है, बगैर मैं के है और जरा भी खट्टी नहीं है। मैं सच्ची तारीफे करता हूँ, झूठी तारीफे नहीं करता, ईमान से जो चीज अच्छी है उसकी तारीफ तो बनती है ना। नीचे बच्चे भी बैठे हैं जी, मैं रिदा ने ना एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की चीज़ बनाई है,
पर वो मुझे दे नहीं रही, इसकी एक शर्त है, वो खुद ही बोलेगी तो आप सुन लेना क्या शर्त है। सारा दिन काम कर करके थक गई हूँ और अब मुझे भी थोड़ा सा आराम चाहिए, तो ये दिखाओ जी मेरी एक न्यू इन्वेंशन। ये देखें जी, ये मैंने डाइट आइसक्रीम बनाई है। रिधा ने डाइट आइसक्रीम बनाई है और इतनी टेस्टी है ना, ये इतनी टेस्टी है मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, इसका फ्लेवर कौन सा है, बैक से दिखाओ। जी इसका फ्लेवर मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, तो मैं इसकी मिनते तरले कर रहा हूँ, मुझे दे दो एक स्कूप दे दो। कहती है नहीं, एक शर्त है मेरी, मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दो, बर्तन है थोड़े से उनको धो दो तो मैं फिर आपको लाजमी दूंगी। ये देखें जी, जबरदस्त माशाल्लाह से चीज़केक फ्लेवर है और साथ में मैंने ऊपर चॉकलेट चिप्स डाली हुई है और ये स्टीविया के साथ बनी हुई है। और जो चीज़ केक है ना, वो मेरा होममेड कॉटेज चीज़ से मैंने बनाया ना, मतलब वो चीज़ केक वाला फ्लेवर दिया है, तो ये प्रॉपर डाइट फ्रेंडली आइसक्रीम है। अच्छा, उन दोनों के मुंह में पानी देखो, कैस्पर के मुंह में शदीद पानी आ रहा है और इसके मुंह में भी। और ये देखें जी, राया आपको भी आपके नाम का पता है, आपकी मम्मा की तरह आपके मुँह में भी पानी आ रहा है और वो अदाएँ दिखा रही है कैस्पर को, हैं वो मुसलसल, वो देखो कैस्पर को अदाएँ दिखा रही है। कैस्पर उसके पीछे बाकी ना से तंग करता है, वो ये ना हो तुम्हारे उसमें चले जाएं सैम। हाँ थोड़ा बहुत करूँगा, मुझे लगता है कैस्पर उसके अंदर चला जाएगा वो। ओ तेरी, और दोनों के खेल देखें, कुदरती तौर पर ना मेरा कैमरा उधर था तो तब दोनों खेल रहे हैं। बस थोड़ा सा खाना है, ज़्यादा नहीं खाना। ओ अब कैस्पर वहाँ से निकल के उसे तंग करके यहाँ पे आ गया। अब जब कायली और वो निकलेंगे ना अंदर से उस रूम से, तो फिर कैस्पर साहब की रूह निकल जाएगी। अच्छा माशाल्लाह देखो, अल्लाह ने कितना हसीन बनाया है ना, ये कैस्पर जैसी सनी जैसी दुनिया में बहुत सारी कैट्स हैं। आप ही शूट नहीं करवाना बिरयानी? तो मैं आपसे जिन ईद के कपड़ों की बात कर रही थी, तो ये जी ईद की शर्ट्स आ गई हैं, जो कि है ही स्पेशली जो है ना बड़ी ईद के लिए बनी हुई है। यहाँ पे बानो बैठी हुई है और बानो उधर मिरर से देख भी रही है मुझे। और मिस बानो ने सबसे पहले तो आपको मिस बानो की शर्ट दिखाऊं, इसमें 4 डिज़ाइन आए हैं तो वेबसाइट पे अपलोडेड हैं, आप जाके वहाँ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ईद में थोड़े ही दिन रह गए हैं तो ये ईद मुबारक की बहुत प्यारी शर्ट है, ऊपर बकरा बना हुआ है, तो ये बानो ने पहनी है और बानो बड़ी खुश है। बानो 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 इधर तो देखो, बानो अपने आप को देख भी रही है शीशे में। बानो इधर तो देख लो, बानो बहुत नखरे में है। और ये मिस्टर टिफी फिर है, टिफी ने बहुत प्यारी ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है। बाबू को तो दिखाओ, दिखाती हूँ ये जी, हमारे टिफी को पकड़ना वहाँ ऊपर बिठाना। अच्छा अब आपको मैं दिखाऊँ शार्ले का डिजाइन, ये शार्ले का थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन है, नूर बानो की शर्ट से ना भी डिफरेंट है। इसके ऊपर कैमल भी बना हुआ है, इसके ऊपर काओ वगैरह भी बनी हुई है, बफलोस वगैरह, इस पर बकरा भी है और इस पे दुम्बा भी बना हुआ है। मतलब शार्ले इन सब की कुर्बानी करेगा, वाह जी इस पे सब कुछ बना हुआ है। वेरी तो एक ये डिजाइन है, ईद मुबारक भी ऊपर लिखा हुआ है, ये ईद की शर्ट्स है और ये ना समर फ्रेंडली है, बहुत लाइट फैब्रिक में और बिल्कुल स्लीवलेस है, तो समर्स पे आप ईद पे अपनी कैट्स को ये पहना सकते हैं। और वो देखो जरा, अभी भी अपने आप को देखी जा रही है बानो, बड़ी आज बहुत प्यारी लग रही है बानो, आई है बानो एटीट्यूड में। ये ऊपर क्या देख रही है बानो, पता नहीं। मिस्टर टिफी की शर्ट में आपको बैक से दिखाऊं, टिफी इधर करो ना मुंह, ये देखें टिफी जैसे ही बुल बना हुआ है ना। हाँ। जैसे टिफी की नोज है ना मोटी, वैसे बुल की भी नोज है। देखो ये है, हाथ हटाओ ना, एक डिजाइन ये है और देखें जैसे टीफी का खुद मुंह है ना, नोज मोटी है और अकड़ है, तकबर है, इस बुल का भी मुंह वैसा और नोज वैसी है, देखे बिल्कुल टीफी गुस्सा कर रहा है बहुत शदीद। और वो बड़े बाबू को तो दिखाओ, बड़ा बाबू। ये जी मिस्टर मफिन ने एक डिजाइन ये पहना है, ये 4 डिजाइन में ये शर्ट्स आई हैं। और जो मफिन ने जो मैंने आपको शार्ले का दिखाया था ना वाइट कलर में शर्ट, तो ये सेम उस तरह की ब्लैक कलर में है, तो ये 2 कलर्स में। अच्छा पहनी भी दोनों ने, कुर्ते भी जैसे पहने हुए थे और कुदरती इत्तेफाकन अल्लाह की कसम हमने देख के नहीं पहनाया, शर्ट्स भी दोनों ने शार्ले ने और मफिन एक जैसे पहनी और अब देख भी रहे हैं दूसरे को, दिखाओ जरा टिफी आप तो बहुत पाले लग रहे हो। टिफी ये ब्राउनी का भाई है, टिफी है। अच्छा टिफी ने पहना हुआ है मीडियम साइज और मफिन ने पहना हुआ लार्ज, मफिन आप बहुत हीरो लग रहे हो। अच्छा, मफिन अब शार्ले का धोए के देख रहा है, देखो किसी के पास तो नहीं जाएगा। नहीं जी मफिन अंदर चला गया है। और बानो जो है ना, बानो बड़ी खुश है अपने न्यू कपड़ों में है ना।
बालों में सूट भी बहुत कर लिया। मम्मा को कुछ नहीं पहनाया। इन मैडम को लार्ज साइज आएगा। शार्ले बच्चों को ना इसमें गर्मी भी नहीं लग रही है। अच्छा बग्गी पे व्हाइट सूट करेगा ना। हाँ फुदैल कह रहे थे बग्गी को ब्लैक पहनाऊं, तो मैंने कहा बग्गी के ऊपर ब्लैक नजर ही नहीं आएगी। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए वेबसाइट पे जाएं, जल्दी से ऑर्डर प्लेस कर लें। थोड़े ही दिन ईद में रह गए हैं, टाइम से ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको ईद से पहले पहले स्टॉक मिल जाएगा। और अभी ये ब्राउनी जो है ना, एक कॉकरोच का तंग कर रही है और उसके साथ खेल रही है, उसको मार नहीं रही और उछाल रही है, वो बेचारा डर रहा है। तो व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।